नमस्कार। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे YouTube चैनल में विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गहने गिरवी रख बनाया पुल, आंखें हैं आत्मा की खिड़की, दुनिया का पहला डिजिटल देश, उम्रदराज महिला का पहाड़ी जुनून, मां बेटी बनी सफल नर्तिका। गांव में पुल बनाने के लिए उसने अपने पत्नी के जेवर गिरवी रख दिए। ये है उड़ीसा के एक ट्रक चालक की कहानी। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में नदी पर पुल बनाना था। वो पुल जिसके बनने से गांव वालों को अस्पताल पहुंचने में आसानी होती। नदी पार करते हुए कई लोग घायल हो जाते थे। लोग पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिलें तक बह जाती थी। नेताओं ने पुल बनाने के खूब वादे किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब गांव के एक ट्रक ड्राइवर ने घर का सोना गिरवी रखकर गांव वालों के लिए एक पुल बनवाया है। गुजरम पंजारा गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। इन्हीं में से एक है 26 साल के ट्रक चालक रंजीत नायक। नायक ने लकड़ी के खंभे और बांस से पुल बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पत्नी के गहने गिरवी रख दिए और बदले में मिले 70,000 रुपये से पुल का काम पूरा किया। रंजीत ने अपने ड्राइविंग के काम से छुट्टी लेकर इस पुल को पूरा किया। आखिरकार नवंबर में ये पुल तैयार हो गया। शोध से पता चला है कि आंखों के हलचल की गति इस बात का सुराग लगाती है कि मनुष्य कैसे निर्णय लेते हैं। सुनते हैं यह खबर विस्तार से। कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए नए शोध से पता चला है कि आंखें वास्तव में आत्मा की खिड़की होती हैं, या कम से कम मनुष्य कैसे निर्णय लेते हैं इसके बारे में बहुमूल्य जानकारी आंखें प्रकट करती हैं। नेत्र के आंदोलनों की गति लगभग पूरी तरह से अनैच्छिक है। शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारी आंखें हमारे विचार प्रक्रिया की एक झलक प्रदान कर सकती हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं उनमें आंखों को अधिक तेजी से हिलाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। अपनी पसंद का फैसला कर लेने पर उनकी आंखें फिर से स्थिर हो गई थी। मनुष्य कैसे निर्णय लेता है यह समझने की दिशा में आंखों का फड़कना बहुत अधिक मायने रखता है। शोधकर्ताओं को लगता है कि आंखों की गतिविधियां कुछ बीमारियों की प्रगति की पहचान करने का एक तरीका हो सकती हैं। अपनी भूमि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए तुवालू अपना खुद का एक डिजिटल संस्करण बना रहा है, क्योंकि बढ़ते समुद्र का स्तर इस द्वीप को निगलने का खतरा है। प्रशांत क्षेत्र में एक द्वीप राष्ट्र तुवालू तेजी से डूब रहा है, इसलिए तुवालू ने अपनी भूमि और संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास में खुद का एक डिजिटल संस्करण बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। तुवालू के विदेश मामलों के मंत्री साइमन कोफे ने कहा कि हमारी भूमि, हमारा महासागर, हमारी संस्कृति हमारे लोगों की सबसे कीमती संपत्ति है, और भौतिक दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए हम उन्हें क्लाउड पर ले जाएंगे। तुवालू हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच आधे रास्ते में स्थित 9 द्वीपों से बना एक ज्वालामुखीय द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग मील है और यह औसतन 6.6 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला भारतीय है। मिलते हैं ज्योति रात्रे से।
भोपाल की ज्योति रात्रे रूस और यूरोपीय महाद्वीप में स्थित प्रसिद्ध पहाड़ों में से एक 5,642 मीटर ऊंचे माउंट एल्बेस पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय पर्वतारोही है। एक साहसिक क्लब के नेतृत्व में ज्योति सहित 4 सदस्यों वाला एक समूह जुलाई 2021 को रूस की राजधानी मॉस्को के लिए रवाना हुआ। समूह के सभी सदस्य माउंट एल्बेस की लंबी चोटी पर चढ़कर विजयी हुए। इस उपलब्धि को हासिल करने से पहले ज्योति हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट देव तिब्बा की 6,001 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ चुकी थी। माउंट एल्ब्रेस पर अपनी जीत को चिन्हित करते हुए ज्योति ने राज्य के साथ साथ भारत को भी गौरव दिलाया है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नृत्य करने वाली वह सबसे कम उम्र की नर्तिकाओं में से एक है। मिलते हैं श्रीनिका पाधी से। यह वंडर किड ऑफ ओडिसी केवल 10 साल की है, लेकिन उसका नृत्य सबसे अलग है। इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में नृत्य करने वाली श्रीनिका पाधी सबसे कम उम्र की नृत्यिकाओं में से एक हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ श्रीनिका की नहीं है, उनकी माँ सोनालिका पुरोहित भी एक ओडिसी नर्तिका हैं। अपनी माँ की नकल करने से शुरू करके श्रीनिका अब एक कुशल नर्तिका बनने की राह पर दृढ़ता और तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरू से ही श्रीनिका में नृत्य के लिए एक स्वाभाविक रुचि थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सोनालिका जैसी माँ और शिक्षिका का होना इसे और भी खास बनाता है। सोनालिका और श्रीनिका ने पहली बार राजस्थान के पुष्कर में एक साथ नृत्य की प्रस्तुति की थी। आज दोनों माँ बेटी को कई महत्वपूर्ण जगहों पर नृत्य प्रदर्शन करने का निमंत्रण और अवसर मिल रहा है। बाजार में इन दिनों अमरूद बड़े पैमाने पर आए हैं। इस फल को खाने से सेहत के क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं जाते जाते। अमरूद खाने के लाभ कुछ इस प्रकार हैं। रक्त शर्करा का स्तर कम करने में अमरूद मदद करता है। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पाचन तंत्र के लिए अमरूद बहुत अच्छा होता है। वजन घटाने में कारगर साबित हो सकता है। अमरूद में एंटी कैंसर तत्व होते हैं। अमरूद रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।